पिरामिडों के लिए मशहूर मिस्र में अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर देने वाली चीजें मिलती रहती हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसी ही दुर्लभ चीज को खोज निकाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आर्कियोलॉजिस्ट ने रेगिस्तान में दबे 4500 साल पुराने सूर्य मंदिर को ढूंढ निकाला है। रेगिस्तान में खनन के दौरान इस सूर्य मंदिर को खोज निकाला गया है। अवशेषों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कच्ची ईंटों से बनी ये बिल्डिंग एक सूर्य मंदिर का है, जो कि प्राचीन मिस्र के 5वें साम्राज्य का हो सकता है। इससे पहले पिछले साल भी मिस्र में एक सूर्य मंदिर के अवशेष मिले थे। बता दें कि इटली और पोलैंड की ओर से संयुक्त खोज अभियान मिस्र में चलाया जा रहा है। ये पुराना सूर्य मंदिर आर्कियोलॉजिस्ट को मिस्र की राजधानी कहिरा के पास बसे अबू सीर शहर में मिला है। ये किंग नुसेरे के मंदिर के नीचे था। साथ ही पुरातत्वविदों का कहना है कि ये सूर्य मंदिर लगभग 4500 साल पुराना है और ये काफी समय से रेगिस्तान में दबा हुआ था। अब इस खोज को पिछले कई दशकों में आर्कियोलॉजिस्ट की सबसे बड़ी खोज में एक बताया जा रहा है। मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आज से तकरीबन 4500 साल पहले इस सूर्य मंदिर को मिस्र के फेरोह ने बनवाया था। आर्कियोलॉजिस्ट को जांच के दौरान ये भी पता चला है कि सूर्य मंदिर का बेस मिट्टी की ईंटों का बना था, जिससे पता चलता है कि इस साइट पर पहले से कोई बिल्डिंग थी। मिस्र के पुरावशेष और पर्यटन मंत्रालय ने इस खोज के बारे में इंस्टाग्राम पर 30 जुलाई को बताया। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, ये ज्वाइंट इटालियन पॉलिश आर्कियोलॉजिकल मिशन है जो कि किंग नुसेरे के मंदिर पर काम कर रही है। इस मंदिर के नीचे कच्ची ईंटों की एक बिल्डिंग के अवशेष मिले हैं। मंत्रालय की तरफ से आगे कहा गया, ये बिल्डिंग 5वें साम्राज्य के खोए हुए सूर्य की 4 मंदिरों में से एक हो सकती है, जिसका उल्लेख कई ऐतिहासिक किताबों में किया गया है। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि मंदिर की इमारत के कुछ हिस्से को 5वें साम्राज्य के 6ठे शासक फेरोह ने अपने शासन के दौरान ध्वस्त करवा दिया था ताकि वो अपना मंदिर बनवा सके और भगवान का स्वरूप हासिल कर सके। रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिकल विभाग के लोगों को बिल्डिंग के अंदर से मिट्टी के कुछ बर्तन और बियर ग्लास भी मिले हैं, जो कि उन्हें उनके रिसर्च में मदद कर सकती हैं। जमीन के अंदर से कुछ टिकट भी मिले हैं जिन पर 5वें साम्राज्य के राजाओं के नाम हैं। फोटो में मंत्रालय ने उन जगहों को भी दिखाया है जहां आर्कियोलॉजिकल विभाग अभी भी काम कर रहा है। 19वीं सदी में भगवान रा का पहला सूर्य मंदिर मिला था, इसलिए इसे भी एक महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।